नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। पब्लिक की मौजूदगी, भीड़ भरा इलाका और पुलिस के पहरे, लेकिन इस सब के बीच अगर किसी गुनाह को अंजाम दे दिया जाए तो फिर भरोसा किस पर करें। दिन दहाड़े बाइक सवार दो बदमाशों की वारदात और जहां दे दिया गया 33 लाख की लूट को अंजाम। दरअसल वारदात की तस्वीर सामने आई यूपी के मुरादाबाद में, जहां एक बैंक से कैश लेकर निकले दो युवकों को निशाना बना लिया गया और फिर 33 लाख से भरा बैग लूट लिया गया। चलिए आपको बताते हैं वारदात की पूरी तस्वीर मुरादाबाद से। यूपी के मुरादाबाद का सिविल लाइन थाना इलाका, दोपहर का वक्त और इस बैंक के बाहर लोगों की भारी भीड़, पुलिस महकमे का पूरा अमला और पड़ताल का दौर। दरअसल ये वो तस्वीर है जो यहां दो लोगों से 33 लाख की लूट के बाद सामने आई। बाइक सवार दो बदमाशों ने यहां दो लोगों को अपने निशाने पर लिया और जब ये दोनों बैंक से 33 लाख की नकदी लेकर अपने बैग के साथ बाहर निकले, इसे बीच ने लूट का शिकार बना लिया गया। ये पीड़ित बैंक से कैश निकलवाने के बाद इस वैन तक पहुंचने वाले थे, लेकिन इसी बीच इनके साथ वारदात हो गई। हालांकि इन पीड़ितों के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, लेकिन उसकी मौजूदगी इस वैन के पास होती है। आपको बता दें कि ये दोनों पीड़ित 33 लाख की नकदी निकलवाने के बाद उसे एटीएम में लोड करने ले जा रहे थे। गाड़ी में रख रहे थे, इतने भी दो बाइक वाले आए और बैग छीन के ले गए 33 लाख रुपए का। जिन लोगों से कैश लूट की वारदात हुई वो सिक्रो ट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी थे। दोनों के पास कंपनी की वैन थी जिसमें लाखों रुपए रखे हुए थे। वारदात के बाद सकते में आए पीड़ितों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन सीओ सिविल लाइन के कार्यालय के सामने से दोनों बदमाश नागफनी थाना क्षेत्र की तरफ भाग गए और फिर पकड़ से दूर हो गए। इस मामले की खबर कंपनी के अधिकारियों को भी दी गई तो वो भी मौके पर पहुंचे। यहां ये शख्स कहते हैं कि उस वैन में पहले से ही लाखों की नकदी थी, लेकिन उस पर बदमाशों की नजर नहीं थी। दो कस्टोडियन थे मेरे, राहुल कुमार और अजय राम, दोनों ने बैंक से विड्रॉल किया था और वो कैश वैन हमारी वहाँ खड़ी है, तो हमने कैश गाड़ी पे लेके जा रहे थे तो बीच में हादसा हुआ। ये बैंक से जैसे ही कैश लेके निकल रहे थे दो बंदे बाइक से आए, हेलमेट लगा हुआ है और उन्होंने बैग को खींच के छीन के उन लोगों से ले। दिन दहाड़े 33 लाख की लूट की खबर मिलने के बाद पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई। आनन फानन में आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मामले की पड़ताल शुरू की गई, लेकिन फिलहाल बदमाशों को लेकर वो भी कुछ साफ नहीं कर पाई। हालांकि इस वारदात के बाद पुलिस ने कई इलाकों में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका। अभी थोड़ी देर पहले आपको एक सूचना मिली कि यहाँ के एक्सिस बैंक में कैश जमा करने के लिए एक एटीएम में कैश जमा करने वाले एजेंसी के एक लड़का है राहुल, उनका कहना है कि वो बैंक से कैश विड्रॉ करके बाहर आ रहे और कैश वैन में बैग रखने से पहले ही दो लड़के मोटरसाइकिल पल्सर से आए और बैग छीन के बाहर आए। सूचना पे हम सब लोग यहाँ आए और यहाँ हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि उनके पास कोई असला नहीं है ना कोई मारपीट किया गया, सीधा आए और छीन के भाग गए।
बहरहाल 33 लाख के लूट के बाद अब बदमाशों की तलाश में खाकी ने सघन जांच अभियान छेड़ा हुआ है। लेकिन मुरादाबाद पुलिस के लिए ये वारदात एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि यहाँ गुनाह को भी भारी भीड़ के बीच ही अंजाम दिया गया है। फर्स्ट इंडिया के लिए मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।